देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। सठिक थिला नोटबंदी निष्पत्ति, मोदी सरकार को निष्पत्ति उपरे सुप्रीम कोर्ट को मोहर, बीजेपी कहिला ऐतिहासिक निष्पत्ति, क्षमा मागंतु राहुल गांधी। टेरर फंडिंग कला टंका रोकिबा उद्देश्य रे निया जाइतला नोटबंदी निष्पत्ति। नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय, 2016 रे पुराना 500 टंकिया एवं 1000 टंकिया नोट अचल करबा नै मोदी सरकार को निष्पत्ति को सठिक कहिसेंती सुप्रीम कोर्ट। सरकार को निष्पत्ति विरोध रे आगत समस्त 58 आवेदन को खारज कर देछेंती सुप्रीम कोर्ट। पुराना नोट बदलिबा को जे 52 दिन समय मिलथिला ताहाकु वर्तमान भूल कहिबा उचित नहि बोली कहिसेंती कोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं केंद्र सरकार को मध्यरे 6 मास धरी आलोचना परे नेटले नोटबंदी रो निष्पत्ति। रिजर्व बैंक रो धारा 26(2) अनुसारे सरकार चाहिले करि परिबे विमुद्रीकरण। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन नहीं थिले ताकु छोट प्रिज्म रे तमे सिंस इट्स एन इकोनॉमिक डिसीजंस तेनु ताकु उटे रेस्ट्रेंट है कि सुप्रीम कोर्ट तार निज विजडम को न रखिबा कथा। सेंट्रल गवर्नमेंट जेतेले डिसीजन ता नहीं थियो तार विजडम को देखिबा कथा, दैट इज फर्स्ट। सेकेंडली सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन इश्यू थिला से इश्यू थिला जे टेरर फंडिंग और ब्लैक मार्केटिंग, तो तार नहीं कि से माने डिसीजन नहीं थिले, हुए तो तार डिजायर्ड रिजल्ट आसी नथिला, किंतु जो डिसीजन नियाय थिला सेटा डेफिनेटली उठे रीजनेबल थिला। जो प्रकार डिमोनेटाइजेशन हबा द्वारा अनेक लोक क्षतिग्रस्त होते, अनेक लोक जो माने मिडिल क्लास जो माने साधारण नागरिक से लंबा लंबा लाइन रे पैसा को डिपोजिट करिया पड़ला। जे आमर जो डिजिटल इकोनॉमी सेटा मध्ये अनेकांश रे बढ़ी एवं वर्तमान आरबीआई डिजिटल करेंसी आड़ को जाइछि जोटा के लीगल टेंडर मध्ये करिया को जाउछि। सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति को ऐतिहासिक कहिछि बीजेपी। विमुद्रीकरण जो को देश रे डिजिटल ट्रांजैक्शन 12 लाख कोटी को वृद्धि पाइबा सहित निष्पत्ति रो गोटिए वर्ष भितरे टैक्स कलेक्शन रे 18% वृद्धि पाइथिला। या सहित आदमवाद कार्यकलाप मध्ये कमीथिबा कहिछन्ति रविशंकर। 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ वर्थ 12 लाख करोड़ जस्ट इन अक्टूबर। ये हुआ नोटबंदी के बाद जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। 16-17 में लगाया गया था, 17-18 में एक साल बाद देश का टैक्स कलेक्शंस 18% हायर हो गया कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। पत्थरबाजी ये आपके सामने है, पीएफआई के खातों को बंद करना, एक्शन लेना। तो टेररिज्म की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने बहुत बड़ा काम किया। महत उद्देश्य नहीं मोदी सरकार जो विमुद्रीकरण निष्पत्ति नहीं थे तार कड़ा समालोचना करते विरोधी, एमती राहुल गांधी यह बड़ भूल कहवा सहित धाड़ी में छिड़ा हुई फोटो पोस्ट करते, किंतु एवं सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति पर राहुल गांधी क्षमा मागंतु बोली कही बीजेपी। यार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होने आया हूं। राहुल जी प्रधानमंत्री, जो माँ बेटे रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पे घूम रहे हैं वो आज मोदी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। खुद रुपयों की हेरा फेरी में जमानत पर जो जी रहे हैं, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, वो औरों को ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, नोटबंदी का हिसाब मांगते। अरे ये नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी पकड़ी गई और उसी कारण आपको जमानत पे निकलना पड़ा। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना?
नोटबंदी को नहीं मोदी निष्पत्ति कठोर निर्णय नेबार शक्ति को विश्व सामने प्रमाणित करथिला। पूर्व दुई थर सरकार निर्वाचन हारथिले, सतर्क करने पर देश स्वार्थ में निष्पत्ति नहीं मोदी, परंपरा भांगी मोदी रेकर्ड विजयी होता। एवं सुप्रीमकोर्ट महामोर मोदी को ठिक प्रमाणित करने विरोधी को शक्त चापड़ा। ब्यूरो इनपुट्स नुआ दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।